मैं भी जनूर मेरे चैनल ब्लॉक 24 में आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो आधुनिक युग, आधुनिक भारतीयों में कौन कौन सी ऐसी घटना संघटित हुई थी जो जलियांवाला बाग के हत्याकांड हम देखेंगे। तो उसी टाइम जलियांवाला बाग के हत्याकांड हम देखेंगे 1919 में हुई थी। आपको दो चीज़ ध्यान रखनी, 1919 में रॉयलेट एक्ट भी लाया था अंग्रेजी ने और 1919 में जलियांवाला बाग की हत्याकांड भी हुई थी। हम देखेंगे यहाँ पे पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर फौजुद्दीन खिजलू, ये आपको दोनों चीज़ यह भी याद रखना है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर फौजुद्दीन खिजलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गई और कोई जगह हिंसा हुई। आपको यहाँ पे यह बताया गया कि पंजाब के दो लोकप्रिय नेता था जिसका नाम था सत्यपाल और फौजुद्दीन खिजलू, ये दोनों को गिरफ्तार करने के बाद अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 को शाम के 5 बजे जलियांवाला में विशाल सभा में रॉयलेट एक्ट डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रही थी। ये आपको समझ में आ गई, लेकिन आपको डेट याद रखना कि 13 अप्रैल 1919 में। सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिनल डायर ने फौज द्वारा फिर बार गोली चलाने का आदेश दी। तो उसी भीड़ में जहाँ पे हजारों संख्या में जनसंख्या थे, उसी भीड़ में जो जनरल डायर था उन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए। घटनाकांड में लगभग 1500 लोग मारे गए। तो इसमें कितने लोग मारे गए? 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए जनसंख्या का 3379 थे और घरेलू की संख्या 1200 बताई गई है। तो आपको जो मारे गए जनसंख्या है वो 1500, लेकिन जो सरकारी बेसरकारी की जो आंकड़े है उनके हिसाब से 397 लोग मारे गए थे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।